सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, झूठी खबरों के दौर में सच शिकार हो गया, गोदी मीडिया और आईटी सेल हो रहा ट्रोल। भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार 3 मार्च 2023 को अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में लॉ इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड वेस्ट विषय पर बोलते हुए कहा कि झूठी खबर के दौर में सच पीड़ित हो गया है। उनके इस बयान पर ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स ने सहमति जताते हुए गोदी मीडिया की फटकार लगाई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज पर चिंता जताते हुए कहा कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है। उन्होंने आईटी सेल का नाम लिए बिना कहा कि सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई आपकी सोच से सहमत नहीं है तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। इसके साथ उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर गलत खबरें इतनी रफ्तार से चलती हैं कि सच्चाई वाली खबरें विक्टिम बन जाती है। संविधान को लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया कि जब ये बनाया गया तो ये एक परिवर्तन लाने वाला डॉक्यूमेंट था जिसमें दुनिया भर की सबसे बेहतर प्रैक्टिसेस को शामिल किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि संविधान को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जज होकर हम इस ट्रोलिंग से बच नहीं पाते हैं और हमें भी ट्रोल होने का डर लगा रहता है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर लोगों के रिएक्शन देखिए। साजिद अली मारवाड़ी नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ये बयान देश के उन सभी न्यूज चैनल्स के मुंह पर करारा तमाचा है जो रोज सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं। नागेश परमार नाम के एक शख्स ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, जो सत्य है वो सत्य है, सत्यमेव जयते अंधभक्तों के गाल पर करारा तमाचा। जितेंद्र पवार नाम के एक ट्विटर यूजर ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर लिखा, मीडिया को आजादी देनी होगी, सरकार का दबाव मीडिया पर हावी है और जिस प्रकार किसी मुल्क में आपातकाल के दौरान मीडिया सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग करता है वो भारत के लोकतंत्र में परंपरा बनती नजर आ रही है पिछले 8 वर्ष से, और यही झूठ का सबसे बड़ा केंद्र विकसित हो चुका है। हिमांशु जैन नायक नाम के एक शख्स ने जज साहब के बयान पर कहा, ये सच है कि मौजूदा समय में सत्य को कुचलकर अमृत काल का ढोंग किया जा रहा है। आज सत्य की आलोचना, असहमति और विरोध की आवाजों को रोज कुचला जा रहा है, लेकिन ये गलत है कि लोगों के पास सब्र नहीं है। अगर सब्र नहीं होता तो आज जनता आग लगाती महंगाई, भयावह बेरोजगारी की विभीषिका भी चुपचाप सहन नहीं करती। भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।